मैं तो सोच रही थी कि अपनी सास को अपने पास ही बुला लूं, बच्चों की देखभाल के लिए। अब देखना मैं नौकर नौकरानी को कितना पैसा देती हूँ, पर फिर भी आए दिन उनके नखरे झेलने पड़ते हैं मुझे। तेरा अच्छा है यार, तेरे पैसे भी बच जाएंगे और बच्चे की देखभाल भी हो जाएगी। बच्चों की जो प्यार से देखभाल करते हैं उन्हें नौकर या नौकरानी नहीं, दादा दादी कहते हैं। और हर बच्चे के नसीब में दादा दादी का प्यार नहीं लिखा होता है। अथर्व तो बहुत भाग्यशाली है कि उसे इतनी नाजों से पलकों पे बिठाने वाले दादा दादी मिले, जिनकी तुलना आपके दो कौड़ी के नौकरों से नहीं की जा सकती। क्या कीमत देंगी आप दादा दादी के प्यार की? आप कीमत चुकाना भी चाहे तो भी नहीं चुका पाएंगे। नैना, तुम महिनी को तो जानती हो, और फिर समझाना उसे चाहिए जो समझने के लिए तैयार हो, जो समझना चाहता हो। और तुम्हें तो पता ही है, एक बार उनकी सुई जहां अटक जाती है फिर वही गाना चलता रहता है। नैना, महिनी को समझने या समझाना हमारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि सबके सामने कोई भी बखेड़ा खड़ा हो, पर वही नहीं, मैंने बहुत कोशिश की कि मेहमानों को ये ना पता चले कि हमारे आपसी संबंध अच्छे नहीं। इससे क्या फायदा होता, बस लोगों को बात करने का एक मौका मिल जाता। जो भी है वो हमारे परिवार के बीच की प्रॉब्लम है, इसे हम आपस में निपट लेंगे। पर वहीनी को पता नहीं क्या सोचता है कि वो सबके सामने कुछ भी बोलना शुरू कर देती है। और जब वहीनी की सहेली आई के बारे में ऐसा बोल रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज नैना ने जो कुछ भी किया बहुत बुरा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोहिणी इतनी बुरी तरह से गुस्सा नहीं हो जाती, नैना ने इसे उकसाया। सब मेहमानों के सामने क्या इज्जत रह गई होगी हमारी। छी, पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या साबित करना चाहती है। अहो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन भी रहे हो? अहो, अहो, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, सुन रहा हूँ, देख भी रहा हूँ जो कुछ हो रहा है। आपने मुझसे कुछ कहा? रोहिणी की सहेली को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। गलती उसकी नहीं थी, गलती तो ये अथर्व क्यों इतना रो रहा है? मैं जरा जाकर देख कर आती हूँ। क्या हो रहा है? ये मुन्ना इतना जोर से क्यों रो रहा है? और रोहिणी को क्या हो गया, वो इसे चुप क्यों नहीं करा रही है? हो सकता है इसे भूख लगी हो। आई, रोहिणी ने अभी अभी इसे दूध पिलाया, वो शायद थक गई होगी इसलिए सो रही है। अच्छा, देख मेरे पास दे, आ जा बेटा, आ जा मेरा बच्चा। ओले मेरा मुन्ना, ला जा बेटा। ना ना संकेत, प्लीज भगवान के लिए बच्चे को चुप कराओ। नाली मिला मुन्ना, ओली ला जा बेटा, कहा चलो सोना। इसके जगह कोई और खिलौना नहीं हो सकता? आई, ओफो आई, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कम से कम शांत तो हो गया। रोहिणी तू जानती है ना, ये खिलौना नैना ने दिया हो या जिसने भी दिया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है आई? अभी अभी लोरी सुनाकर अथर्व को सुलाकर आई हूँ। अपनी छोटी सी मुट्ठी में मेरा पल्लू पकड़े हुए था, नींद में भी मुझे नहीं छोड़ रहा था।
वो चाहता है कि हरदम उसके साथ कोई खेले, बात करे। मुझे बताओ इन मिठाइयों का क्या करें? इन्हें फ्रिज में रख दें या डब्बे में बंद करके शेल्फ पर रख दें?